कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी का किनारा, चिराग पासवान ने दिया रिएक्शन, बोले कंगना मेरी दोस्त। लेकिन आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के उस बयान से रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार तथा हत्याएं हो रही थी। जी न्यूज़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत सम्मेलन में चिराग पासवान ने कहा कि कंगना मेरी अच्छी दोस्त है और मैं मानता हूं कि वो एक मजबूत इरादों वाली महिला हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कंगना के उस बयान से असहमति जताते हुए खुद को किनारा कर लिया है। चिराग पासवान ने कंगना रनौत को पुरानी मित्र बताते हुए कहा कि कंगना अपनी सोच रखती है और उसको जाहिर करने से कभी हिचकिचाती नहीं है। आप उनकी सोच से सहमत हैं या नहीं, लेकिन वो सिर्फ कहती है हाँ। लेकिन आज की तारीख में जब वो राजनीति में है, पॉलिटिकल लाइंस लेने में उनको ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग विषय है। इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूं, भले ही वो मैं बनाऊं या कोई और बैठकर नीतियों को लागू करे। यूपी में चाचा भतीजा एक हो गए, क्या बिहार में होंगे? इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ गठबंधन में तो हम हैं ही, मैं गठबंधन के बीच अपनी बात रख सकता हूं। आज की तारीख में बिहार हो या केंद्र हो, ये बहुत खूबसूरत गठबंधन है। मेरे और पीएम के बीच कोई ताकत नहीं आ सकती, चिराग पासवान ने कहा। चिराग पासवान ने जी न्यूज़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत सम्मेलन में दावा किया कि वो अगले 5 साल और उसके अगले 5 साल भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। मेरा कारण ही इस गठबंधन के साथ आना, मेरे प्रधानमंत्री थे। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की कोई ताकत इस गठबंधन को नहीं तोड़ सकती। जो लोग इन बातों को लेकर खुशी मनाते हैं, मैं सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें देखता हूं। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इन 5 साल क्या अगले 5 साल भी एनडीए की सरकार और एनडीए के हमारे गठबंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती।